जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SI और ASI के लिए 921 पोस्ट की बम्पर वैकेंसीज आई है, जो कि ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। अगले 2 से 3 मिनट में हम इसके सभी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, चाहे वो इसका सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, सैलरी हो, अप्लाई कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इंडिया व उत्तर प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट जॉब्स आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। सबसे पहले जॉब डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट पर वैकेंसीज आई है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है वो है SI और ASI के लिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 921 है। आपका जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में ही होगा। फॉर्म आप ऑनलाइन भर पाएंगे। इस एग्ज़ाम को UPPRPB कंडक्ट करेगी, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड आपके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो SI कॉन्फिडेंशियल के लिए 268 सीट्स की वैकेंसीज़ है, ASI कलर के लिए 449 सीट्स की वैकेंसीज़ है, वहीं ASI अकाउंटेंट्स के लिए 204 सीट्स की वैकेंसीज़ है। किसी भी फॉर्म को भरते समय सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है कि इस जॉब के लिए कितनी सैलरी होगी और कितने पैसे लगेंगे, तो आइए उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को ₹400 का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। वहीं सैलरी पे स्केल की बात करें तो ASI कॉन्फिडेंशियल के लिए जो आपका सैलरी है, पे स्केल है, वो 35,400 से 1,12,400 प्रति माह तक का होगा। वहीं ASI कलर के लिए जो आपका पे स्केल है वो 29,200 से 92,300 प्रति माह तक की सैलरी होगी। अब आइए उत्तर प्रदेश पुलिस SI और ASI के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो इसके मुख्यतः 5 चरण होंगे। सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT होगा, फिर स्किल टेस्ट या टाइप टेस्ट या स्टेनो टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। रिटेन एग्जाम का पैटर्न हमने बहुत डिटेल से दिया है, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आइए एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो रिटन एग्जाम में आपके टोटल 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आपके प्रश्न जनरल हिंदी से 40 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। वहीं बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस, जनरल नॉलेज से आपके 40 प्रश्न 100 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से 40 प्रश्न 100 मार्क्स के होंगे। मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 40 प्रश्न 100 मार्क्स के होंगे। एक गलत जवाब देने पे आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्न आपके MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आइए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को समझ लेते हैं। तो इसमें जनरल OBC और SC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का हाइट 163 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ 82 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट का हाइट जो है 156 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 75 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 80 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जनरल OBC और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट का हाइट 150 सेंटीमीटर और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट का 145 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इसमें कोई फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी दौड़ या गोला फेंक कुछ नहीं होगा। आगे हम डिटेल से देंगे कि इसके बदले आपको कौन कौन टेस्ट देने होंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। UPSI और ASI के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 28 साल होना अनिवार्य है, जो कि 1 जुलाई 2023 से काउंट होगा। वहीं ASI कॉन्फिडेंशियल के लिए ग्रेजुएशन साथ में आपको टाइपिंग, स्टेनो या कंप्यूटर का कोर्स होना अनिवार्य है। वहीं ASI कलर के लिए ग्रेजुएशन, टाइपिंग प्लस कंप्यूटर का कोर्स होना अनिवार्य है। वहीं ASI अकाउंटेंट्स के लिए जो है वो BCOM साथ में कंप्यूटर का कोर्स होना अनिवार्य है।
आगे हम यूपी पुलिस एसआई और एएसआई के सिलेबस को डिटेल से समझे उससे पहले फॉर्म को कैसे भरे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट upppb.gov.in पे जाएं, वहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, प्रीव्यू करें, फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद पीडीएफ सेव करके जरूर रखें। आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे 7 जनवरी 2024 से, लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 है, इससे पहले फॉर्म को अवश्य भर लें। यूपी पुलिस एसआई और एएसआई के सिलेबस की बात करें तो मेंटल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इन्हीं सभी टॉपिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी रीजनिंग और जीके जीएस के सिलेबस को समझ लेते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस में 2 साल का करंट अफेयर्स, इंडिया, वर्ल्ड और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से पढ़े, उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो दिए हुए सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF एंड LCM, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ, डिसमिल एंड फ्रैक्शन, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं। वहीं मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल डाइग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, कोडिफिकेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट्स, एनालॉजी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़।